चैनल एमएनएस न्यूज़ लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों के बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पुलवामा आतंकी हमले के कारण रद्द हुआ अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा। उत्तराखंड के वीरों ने लहू देकर की देश की रक्षा। उत्तराखंड के 2283 जवानों ने दी शहादत। इंगोनिया में गोवंशों के मौतों के जिम्मेदारों पर होगी सख्त कार्रवाई। खाचरियावास, अब देखते हैं खबरें विस्तार। रायपुर पुलवामा में हुए आतंकी हमले के मद्देनजर भाजपा अध्यक्ष अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा रद्द हुआ। रायपुर पुलवामा में हुए आतंकी हमले के मद्देनजर भाजपा अध्यक्ष अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा रद्द हो गया है। छत्तीसगढ़ बीजेपी की ओर से ये जानकारी मिली। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पहले प्रदेश के भाजपा कार्यकर्ताओं में जोश भरने और रणनीति तैयार करने के लिए शुक्रवार को रायपुर आने वाले थे। यहाँ वे शक्ति कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद करने वाले थे। देहरादून, जम्मू कश्मीर के पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए 42 सैनिकों में दो वीर सपूत उत्तराखंड के भी थे। उत्तरकाशी के शहीद मोहनलाल और खटीमा के वीर वीरेंद्र सिंह देश की रक्षा करते हुए शहादत को प्राप्त हो गए। शायद यही कारण है कि उत्तराखंड को देवभूमि के साथ साथ वीरों की भी भूमि के नाम से जाना जाता है। अब तक उत्तराखंड के हजारों रणवांकुर दुश्मन से लड़ते हुए देश के लिए शहीद हुए हैं। एक बार फिर से हिंगोनिया गौशाला में गायों का मरना सरकार के लिए मुसीबत बन रहा है और इस बार गायों की मौत का सामना पूर्ववर्ती सरकार पर हमला करने वाले कांग्रेस को झेलना पड़ रहा है। जयपुर पूर्ववर्ती वसुंधरा राजे सरकार के समय अगर सरकार को सबसे ज्यादा बदनामी किसी बात पर झेलनी पड़ी थी और विपक्ष का प्रहार झेलना पड़ा था, उसका सबसे बड़ा कारण बनी थी जयपुर की हिंगोनिया गौशाला, जिसमें हजारों गायों के मरने के बाद पूरे देश में जयपुर की हिंगोनिया गौशाला चर्चाओं में आ गई थी। एक बार फिर से हिंगोनिया गौशाला में गायों का मरना सरकार के लिए मुसीबत बन रहा है और गायों की मौत का सामना पूर्ववर्ती सरकार पर हमला करने वाले कांग्रेस को झेलना पड़ रहा है। तो खबरों में आज के लिए इतना ही। एमएनएस न्यूज की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।